राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ बस वृंदावन की छोरी, है हूँ गोरी गोरी। आपका नीता स्वीट फैमिली पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आप देखें हमारी माता आज क्या करती है, और माता जो भी करती है उसका आनंद लीजिए। चलो चलो देखिए। आज मैं बना रही हूँ पालक पनीर, तो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आइए बनाते हैं, आप भी देखो। सबसे पहले लिया है मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल। अब तेल को गर्म होने देते हैं। तो गाइस शायद तेल गर्म हो गया, अच्छे से जीरा चटक रहा है अपना। गैस को कर देते हैं कम। अब इसमें डालते हैं थोड़ी सी हींग का तड़का। अब इधर देखो, इधर मैंने ले लिया है कुटा हुआ लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, चॉप्ड प्याज, तो इनका तड़का लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं डालूंगी लहसुन, ये कुटा हुआ लहसुन। अरे कोई दिक्कत नहीं, इसको हम अच्छे से गाइस मैंने इसमें खड़े मसाले भी, ये मैं आपको दिखाना भूल गई थी, तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, कुटी हुई इलायची, काली मिर्च, ये सब डाल दिए। अब हमारा लहसुन भी गोल्डन ब्राउन होगा, मैं चॉप्ड नहीं कुटी हुई अदरक डाल दूंगी, हरी मिर्च डाल दूंगी। अब इनको पकाऊंगी। कितनी खाली है, ये चॉप्ड प्याज डाल दूंगी। अब इसमें गाइस मैंने इसमें डाल दिया प्याज। अब प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पकाऊंगी। ये अब हम प्याज को पकने देते हैं गोल्डन ब्राउन, मतलब आपको दिख रहे होंगे प्याज गोल्डन होने तक पक रहे हैं। अब इनको और करारे होने के लिए मैं थोड़ा सा गोल्डन और होने दूंगी। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी जो मैंने बारीक चॉप कर रखे। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए थे, अब टमाटर डाल के पकने देंगे जब तक ये तेल ना छोड़े। इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूंगी, सॉल्ट डाल के टमाटर को गलने दूंगी, बाकी के मसाले थोड़ी देर बाद ऐड करूंगी। अब मैं थोड़ा ढक दूंगी, अब इसको थोड़ी देर ढक दूंगी लेट से, और थोड़ी देर पकने देते हैं, फिर मिलते हैं। अब गाइस देखते हैं, ये देखिए ये तेल छोड़ने लग गया, ये देखो। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी, ये देखो टमाटर गल गया ऑलमोस्ट। मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर मैं थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ। अब ये लाल मिर्ची। अब इन सबको, नमक मैंने पहले डाल दिया था, अब इन सबको पकने देंगे। मसाले जल ना जाए ताकि इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले जले ना, हल्का सा एकदम थोड़ा सा। तो गाइस देखते हैं, ये देखिए मसाला ऑलमोस्ट पक चुका है, आपको दिख रहा होगा कि तेल छोड़ने लग गया है। ये देखिए ये अच्छे से पक गया। अब मैं इसमें पालक का पेस्ट डालूंगी, और पालक का पेस्ट का मैं आपको बता देती हूँ। पालक को साफ करके अच्छे से धो के उसको 2 मिनट के लिए गर्म पानी में मैंने उबाल लिया। उबालने के बाद उसको ठंडे पानी में डालना है ताकि उसका कलर चेंज ना हो आइस वाले वाटर में, और फिर उसका हमने ग्रेवी तैयार कर लिया, मतलब कि उसको पीस लिया है उसका, तो उसको ऐड कर दूंगी। अब इसमें मसाले ऑलमोस्ट पक चुके हैं, ये देखो और खुशबू तो मैं ले सकती हूँ, आपको तो क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें पालक, ये अब ये सब्जी तड़केदार से ग्रीन होने वाली है क्योंकि ये है पालक पनीर। ये देखिए 2 मिनट में सब्जी का तड़का चेंज, इसमें डल चुका है वो पालक। तो इसको मैं पकने देती हूँ, इसमें थोड़ा मैं पानी ऐड करूँगी, फिर इसको भी पकने देती हूँ, फिर इसके बाद मैं इसमें पनीर ऐड करूँगी। तो गाइस मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी और ऐड कर दूँगी ताकि अच्छा टेस्ट आ जाए, ग्रीन में ग्रीन। गाइस ये पक चुकी है पालक, अब मैं इसमें पनीर ऐड कर दूंगी। पनीर मेरे घर के दूध बच गया था तो उससे मैंने पनीर बना लिया, मार्केट से कम ही लाते हैं, बाकी दूध लाके मैं पनीर बना लेती हूँ, तो ये पनीर डाल दूंगी, होममेड पनीर है। अगर आपको पनीर की रेसिपी जाननी है तो आप कमेंट करना, मैं पनीर बनाना भी सिखाऊंगी आपको किसी दिन। सुबह मैंने सूट नहीं किया पनीर, तो अब इसमें मैंने पनीर ऐड कर दिया। अब थोड़ी देर इसको मैं पनीर के साथ पकने दूंगी, फिर हमारी सब्जी रेडी है। लाने का टमाटर तोड़ने, तो गाइस हमारा पनीर ऑलमोस्ट रेडी है, ये देखिए आप बन गया, आप भी खाओ आ जाओ। रेडी है हमारा, ये देखिए ये हेल्दी पनीर रेडी है, आओ खाओ। तो गाइस पालक पनीर रेडी है, इसमें थोड़ी सी मैं क्रीम ऐड करूंगी, ये लजीज, आइए खाइए रोटी के साथ, आइए चावल के साथ, आइए आपका जो मन करे जिसे खाइए चावल रोटी किसी भी। इसको चीनू को है ना रोज रोज यही खाना चाहिए, पालक पनीर, बटर पनीर, इडली सांभर, भिंडी ये नहीं खानी, इसको चटनी से खा लेगा, लेकिन भिंडी की सब्जी, लौकी की सब्जी, बैंगन की सब्जी, पालक।
नॉर्मल पालक की ये नहीं खाओ, सही है। ये नीचे इनको तोड़ लेती हूँ ताकि चूहे खाएं उससे पहले। मिनी चेरी टमाटो बन गए हैं, अभी सर्दियों में तो बड़े थे, अभी चेरी टमाटो। ये देखो ये और भी है ना लाल ऊपर, एक ये रहा, ये देखो कितने सारे टमाटर लग रहे हैं। ये देखो मैंने इस पेड़ से कितने सारे टमाटर तोड़ लिए। है ना कितने टमाटर तोड़ लिए देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 टमाटर पूरे टोटल 11। चलते हैं नीचे। तो गाइज आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम बहुत देर से बिजी थे किचन में, कल का खाना बन रहा था। कल देखिए ये हमारी चॉकलेट्स हैं, ओहो बेकर।